ओ पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 4 अक्टूबर के प्रीलिम करंट अफेयर्स के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं कल के वीडियो से कुछ क्वेश्चंस। तो अर्थ लोएस्ट एलिवेशन ऑन लैंड का मतलब पूछा है। इट मीन्स कि किसी भी प्लेस का मीन सी लेवल के कंपैरिजन में क्या लेवल है, क्या वो ऊपर है या मीन सी लेवल के नीचे है। तो जो डेड सी का केस है उसमें जो उसकी एलिवेशन है दैट इज़ -430। माइनस यानी कि इट इज़ अ डिप्रेशन नॉट एलिवेशन। तो -430 मीटर्स है वो बिलो सी लेवल, इसीलिए उसको लोएस्ट एलिवेशन ऑन अर्थ बोला जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पर्पस का, उसके दो रीजंस हैं। एक तो है रिसर्च पर्पसेस के लिए, हम माइक्रोग्रेविटी में या स्पेस एनवायरनमेंट में अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, तो हम वहाँ पर वो जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कंडक्ट करते हैं। एंड जो दूसरा पर्पस है इसका, वो टेस्ट करना है जो हमारे स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स जा रहे हैं मून या मार्स के लिए, तो उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चेक करना वहाँ पे। तो फॉर दीज पर्पसेस द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज़ बीन सेट अप। नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द गॉबलिन, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, GEAR एक रिपोर्ट है EIU की, वो देखेंगे। एंड फाइनली देखेंगे हायाबूसा 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम प्री एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर। तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। इनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन इट। आज के वीडियो में हम देखते हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से मराकेश ट्रिटी के बारे में। आज के द हिंदू में न्यूज़ थी कि जो EU है उन्होंने अपनी सपोर्ट दी है इस ट्रिटी को, एंड दे आर रेडी टू प्रोवाइड डिसेबल फ्रेंडली बुक्स। तो हम जान लेते हैं जो ट्रिटी है इसकी ग्रेटर डिटेल्स। इसको एडमिनिस्टर किया था विपो ने, and it makes the production and international transfer of specially adapted books for people with blindness or visual impairments easier. तो कुछ copyrights के issue होते हैं, उन्हीं चीज़ों को settle करने के लिए ये treaty sign की गई थी, ताकि हम जो blind या visually impaired people हैं उनके लिए books provide कर सकें। Accessible Books Consortium ABC is a stakeholder at WIPO and ये assist कर रहा है implementation of the Marrakesh provisions. तो ABC is the implementing agency. India was the first country to ratify the treaty and इसी के related हमारे इंडिया में एक मिशन चल रहा है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या सौगम्य भारत अभियान। तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। सौगम्य पुस्तकालय ऑनलाइन लाइब्रेरी है फॉर पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटीज, एंड ये गवर्नमेंट बैक्ड है लेकिन प्राइवेट इनिशिएटिव है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस। मूविंग ऑन, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं द गॉबलिन। तो ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि पाया गया है प्लूटो के ऑर्बिट के फार बियॉन्ड, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द इनर ऊट क्लाउड। ये मैंने आपको ऊट क्लाउड के बारे में पिछले एक वीडियो में बताया था, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्या था इसका मतलब। एंड इसी से रिलेटेड एक प्लैनेट 9 का कॉन्सेप्ट है। तो जो साइंटिस्ट हैं या एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि प्रोबेबली एक और प्लैनेट है हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में जो इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे प्लैनेट्स को। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये एस्टिमेट किया गया है कि ये 10 times द साइज ऑफ अर्थ है, एंड इट इज़ बिलीव टू बी इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ मैनी नोन ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं या कुछ मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं। कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेक्यूलियर अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जो सोलर सिस्टम के आउटस्कर्ट्स पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो अलाइनमेंट है वो भी इसने इन्फ्लुएंस की हुई है। Team of scientists held it responsible for the wobble in the orbital plane of 8 planets. तो ऐसा मानना जाता है कि जो हमारे planets का 8 planets हैं जो हमारे, उनका orbital plane है वो aligned है 6 degree पर टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ सन। सपोजिडली ये सन है एंड ये इक्वेटोरियल प्लेन आ गया, तो जो planets revolve कर रहे हैं वो कुछ 6 degree पर जो है वो aligned है। तो ये अलाइनमेंट का कारण भी इसी प्लैनेट को दिया जाता है। एंड कमिंग बैक टू द गॉबलिन, तो ये एक नया प्लैनेट डिस्कवर हुआ है, एंड इट इज़ बिलीव्ड के 65 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ये दूर है अर्थ से। ये पिक्चर हमने इंडियन एक्सप्रेस से बोरो किया, तो ये हमारी रह गई एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड ये आ गई कोपिया बेल्ट, तो उसके भी बियॉन्ड है जाकर कहीं द गॉबलिन।
मूविंग ऑन, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में। तो ये क्या है? इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर है ये, एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। इट इज़ इन्वॉल्व इन मेजर फ्रॉड प्रोब्स एंड इज कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड CBI। तो कॉर्पोरेट रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स होंगे या कोई क्राइम होगा तो उसकी जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO है, एंड ये कोऑर्डिनेट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड CBI के साथ, दोनों के साथ। इट वॉज सेटअप इन 2003, तो वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम के दौरान इसको सेटअप किया गया था, और रिकमेंडेशन थी नरेश चंद्र कमेटी की, क्योंकि उस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट स्कैम्स हुए थे कुछ, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो भी फेल हो गई थी। जैसे एक कंपनी थी UTI करके, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, उसका जो केस है वो काफ़ी फेमस है इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो द हिंदू में ही न्यूज़ थी, SFIO की रेट्स बढ़ रही हैं, IL एंड FS काफ़ी नाम सुना होगा आपने, न्यूज़ में है तो उनके ऑफिसर्स पर, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ आई थी, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग इट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। तो एक आइडिया फ्लोट किया है लेगून विलास का। नीति आयोग के एडवाइज़र ने फ्लोट किया है ये आइडिया कि हमें भी मॉरिशियस या मालदीव्स की तरह लेगून जो विलास हैं वो इस्टेब्लिश करने चाहिए ताकि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको बनाया गया था 2017 में, एंड ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड्स के लिए बनाई गई थी। डेवलपिंग इंडियाज मैरिटाइम इकॉनमी वाइल प्रिजर्विंग नेचुरल इकोसिस्टम एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो इकॉनमी को डेवलप करना है बट जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिग्रेड नहीं करना, एंड जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको भी एड्रेस करना है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, एंड जो मेम्बर्स हैं इसके वो है कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज ऑफ टूरिज्म, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड ट्राइबल वेलफेयर। तो ये सब जो सेक्रेटरीज हैं दे आर द मेम्बर्स ऑफ दिस एजेंसी। 10 आइलैंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है, 5 आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार ग्रुप एंड 5 आर फ्रॉम लक्षद्वीप। तो PIB का एक आर्टिकल है, उसमें ये आइलैंड्स वगैरह पूरे अच्छे से मेंशनड हैं, तो आप यू कैन सी फॉर ग्रेटर डिटेल्स ऑन दैट आर्टिकल। मूविंग ऑन, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं GEAR के बारे में। तो इट इज़ अ गवर्नमेंट ई पेमेंट्स एडॉप्शन रैंकिंग। तो एक ग्लोबल इंडेक्स है ये बेसिकली, जिसको के बनाया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि द इकोनॉमिस्ट पेपर है यूनाइटेड किंगडम का, उनकी ये बॉडी है। आगे, इंडियाज़ रैंकिंग इम्प्रूव फ्रॉम 36th इन 2011 टू 28th इन 2018। तो बेसिकली तीन ही रिपोर्ट्स आई हैं इसकी, ये स्टडीज़ हुई हैं जो GEAR की, एक हुई थी 2007 में, उसके बाद 2011 एंड नाउ इन 2018। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है काफ़ी, बट इट नीड्स टू डू मोर ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस। तो ऑल दो इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन डिस्पाइट द गवर्नमेंट बींग ट्राइंग टू इम्प्रूव द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी स्टिल देर इज़ अ लॉट टू डू मोर। इंडिया होल्ड्स टॉप रैंकिंग इन बिजनेस टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो इसमें इंडिया का टॉप रैंक आया है, एंड सब्सटेंशियल पॉकेट्स ऑफ कम्युनिटीज लैक रिलायबल एक्सेस टू इंटरनेट। तो जो ये स्टडी है इसकी ये फाइंडिंग है दैट देर आर अ लॉट ऑफ पॉकेट्स ऑफ कम्युनिटीज जो अभी जिनके पास रिलायबल इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, तो इसलिए जो हमारा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करने का एक ड्रीम है वो इनके लिए अभी पूरा करना मुश्किल है। मूविंग ऑन, इंटरनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से हम देखते हैं S-400 ट्राइम्फ को। तो आज काफ़ी डिटेल में बताया गया था इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में, वहीं से बोरो किया हमने ये सब। अ मोबाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इंटेंडेड टू एक्ट एज शील्ड अगेंस्ट इनकमिंग जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके लिए ही है, एंड देन इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग डिप्लॉयड विद इन 5 मिनट्स। तो काफ़ी क्विकली ये डिप्लॉय किया जा सकता है सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर, एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो दो हमें इंपॉर्टेंट बातें पता चली हैं, एक तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है, एंड दूसरा लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, केपेबल ऑफ फायरिंग 3 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। तो एक 3 तरह की मिसाइल्स जो है वो फायर करेगा ये टू डिस्ट्रॉय द इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल। तो उससे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा डिफेंस का, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी इनकमिंग थ्रेट से। इसकी जो रेंज है डेट इज़ 400 किलोमीटर, एंड जो ऑल्टीट्यूड है जहाँ तक इसकी
जो रेंज है दैट इज़ 30 किलोमीटर्स, तो काफ़ी वास्ट रेंज है ऑल्टीट्यूड वाइज तो। लेकिन 400 किलोमीटर्स ये एक थोड़ा सा कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये रेंज थोड़ी कम लग रही है। एनीवे, आगे हम देख लेते हैं कि इंडिया ने क्या क्या एक्विजिशंस की कर रखी हैं जो मिलिट्री वेपनरी है इंडिया की फ्रॉम US। तो हमारे पास एक ग्लोब मास्टर है, C-17 ग्लोब मास्टर, एंड एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, P-8I मरीन रिकॉनसा एयरक्राफ्ट है, एंड लाइट हॉविट्सर्स हैं हमारे पास जो आर्टिलरी गन्स होती हैं, हापून मिसल्स हैं, अपाचे एंड चिनुक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि दिस पर्टिकुलर, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर आया था कि कौन सी कंट्री से हमने ये जो प्रोक्योर किए हैं। सिमिलरली जो सोवियत वेपनरी है, रशिया से हमने क्या क्या खरीदा हुआ है, न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्रा है हमारे पास जो रशियन ओरिजिन की है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, MiG एंड सुखोई जो फाइटर जेट्स हैं हमारे पास, एंड IL ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये दो टैंक्स हैं हमारे पास T-72 एंड T-90, एंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रमादित्य है हमारे पास, अब तो यही सोल जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी के पास दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से हम देखते हैं हायाबूसा 2, ये क्या चीज़ है। तो इट इज़ बेसिकली एस्ट्रॉयड सैम्पल रिटर्न मिशन एम टू लर्न मोर अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ऐसे ना बहुत सारे मिशन्स आते रहते हैं न्यूज़ में, तो वी हैव टू जस्ट कीप अ टैब के उसका पर्पस क्या था, एंड इनफैक्ट वी कैन कैटेगराइज देम इन दैट ऑर्डर कि एक ही पर्पस को सर्व करने के लिए हमने टाइम टू टाइम काफ़ी मिशन्स भेजे हैं, तो उसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे ये है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम के लिए, तो ऐसे अगर कोई और मिशन आएगा तो यू कैन कीप राइटिंग इट अंडर दैट हेडिंग। ठीक है जी, इसको ऑपरेट किया है जैक्सा ने, दैट इज़ जैपनीज़ जो स्पेस एजेंसी है उनकी, एंड इसमें एक मोबाइल एस्ट्रॉयड सर्फेस स्काउट नाम का एक लैंडर है जिसको बनाया है जर्मन एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसीज में कोलेब्रेशन में, एंड ये जो मैस्कॉट है इट विल बी द थर्ड लैंडर ड्रॉप्ड इन रोइगू एस्ट्रॉयड आफ्टर टू स्मॉल मिनर्वा लैंडर्स। तो इससे पहले इस एस्ट्रॉयड पर, जो रोइगू एस्ट्रॉयड है, इस पर दो लैंडर्स ऑलरेडी ड्रॉप किए जा चुके हैं एंड ये थर्ड होगा, एंड द टारगेट सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ रोइगू। तो ये बेसिकली इसका टारगेट क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द एस्ट्रॉयड। जो मेजरमेंट्स होंगी वो लेगा, एक तो ये एस्ट्रॉयड की मिनरोलॉजी की, सरफेस टेम्परेचर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा हमें उस एस्ट्रॉयड की। तो उस एस्ट्रॉयड के बारे में जान लेते हैं, इट इज़ अ कार्बोनेशियस नियर अर्थ एस्ट्रॉयड एंड पोटेंशली हैजर्डस एस्ट्रॉयड ऑफ अपोलो ग्रुप। तो जो पोटेंशियली हैजर्डस एस्ट्रॉयड है, इसका मतलब है कि जो एस्ट्रॉयड या एस्ट्रॉयड की बेसिकली ऑर्बिट है वो एक्सेप्शनली क्लोज आ जाती है अर्थ के, एंड इससे क्या हो सकता है, दे कुड बी अ पॉसिबल कोलिजन। तो इसीलिए ये कैटेगरी बनाई हुई है पोटेंशियली हैजर्डस एस्ट्रॉयड की, एंड दिस मेक्स इट फर्दर मोर इम्पॉर्टेंट कि हम क्यों जाने इस एस्ट्रॉयड के लिए, क्योंकि हमें अपनी प्रेपरेशंस जो हैं, अगर कोई फोर्सेबल फ्यूचर में कोई कोलिजन होती है तो हमें पहले से प्री प्लान रहना है, इसलिए इट इज़ ऑल द मोर लॉजिकल कि हम जाने इस एस्ट्रॉयड के बारे में। एंड ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि जो हायाबूसा 2 है उसने ड्रॉप कर दिया है मोबाइल एस्ट्रॉयड सर्फेस स्काउट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर लूप के बारे में। स्पेन में जो है इसका फर्स्ट फुल स्केल पैसेंजर कैप्सूल अनवील कर दिया है, हम जान लेते हैं ये क्या है। इट प्रपोज्ड मोड ऑफ पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ओपन सोर्स वेक्टेरियन डिज़ाइन रिलीज्ड बाय जॉइंट टीम फ्रॉम टेस्ला एंड स्पेसएक्स। दो कंपनीज हैं हमारे पास, टेस्ला एंड स्पेसएक्स, जिन्होंने जॉइंटली ये प्रपोजल रखा था कि हम जो पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसको हाई स्पीड कैसे करेंगे। तो तब से जो है ये हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट रियलिटी में आता दिख रहा है। तो ये है क्या, बेसिकली इट इज़ अ सील्ड ट्यूब और सिस्टम ऑफ ट्यूब्स जो कि लोअर प्रेशर पर होंगे, एंड उनमें एक पॉड दौड़ेगा विच में ट्रेवल फ्री ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली हम हायर एंड पर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगी, एंड जो इसकी एक्सेलरेशन होगी दैट वुड बी बाय इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। क्योंकि ये वैक्टेरियन डिज़ाइन पर बेस्ड है, बेसिकली वैक्टेरियन डिज़ाइन इज़ वेरी हाई स्पीड रेल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए एक प्रपोज डिज़ाइन था, तो उस पर ये वर्क कर रहा है। एंड क्योंकि अब इसमें एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन नहीं होगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ
1200 किलोमीटर पर आर की स्पीड मिल जाएगी इसमें। एंड जो पहला कैप्सूल अनवेल किया था वो गया है फ्रॉम स्पेन टू फ्रांस। मूविंग ऑन, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हमें एक और टेलीस्कोप के बारे में पता चला है, मीर के 80 टेलीस्कोप। तो दिस इज़ अ रेडियो टेलीस्कोप बीइंग टेस्टेड इन द नदर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में ये लोकेटेड है एंड रेडियो टेलीस्कोप है। रेडियो टेलीस्कोप यानी कि जो भी रेडियो वेव्स आ रही होंगी स्पेस में, हम बेसिकली इससे वो स्टडी करेंगे। वेन फंक्शनल इट विल बी द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड विल बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो अब इसका भी हमें पर्पस पता चल गया कि क्यों हम ये सेटअप कर रहे हैं टेलीस्कोप, टू स्टडी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ्स उनकी सर्च में। एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ्स की सर्च में हमने काफ़ी सारे मिशंस भी भेजे हुए हैं स्पेस में, तो उनके बारे में भी आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक लिस्ट बनाते जाइए, उसमें लिखते जाइए कि किस चीज़ का क्या पर्पस है। यूज फॉर द फॉर रिसर्च इनटू कॉस्मिक मैग्नेटिज्म, गैलेक्टिक एवोल्यूशन, डार्क मैटर एंड ट्रांजिट रेडियो सोर्सेस। तो ये सब पर्पसेस हैं जिनके लिए इसकी यूज़ की जाएगी। मैग्नेटिज्म हो गया, डार्क मैटर की स्टडी में, डार्क मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट बनकर आ रहा है सामने, तो इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ टाइम टू टेक अ क्विक बाइट। तो आज हमारे पास क्विक बाइट में है स्पेशल ओलंपिक्स। तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो पैरेलली हमारे पास एक पैरालंपिक्स करके ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, दोज आर फॉर डिसेबल्ड पीपल एंड दिस इज़ फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दैट इज़ फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी। एंड जस्ट लाइक द पैरालंपिक्स, इट इज़ ऑल्सो रिकग्नाइज बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बट जो डिफरेंस है दोनों में, दैट इज़ जो पैरालंपिक्स होते हैं वो उसी ईयर ऑर्गेनाइज होते हैं जिस ईयर ओलंपिक्स हो रहे होते हैं, लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स जो हैं वो उस ईयर नहीं होते, उनमें कुछ टाइम लैप का फ़र्क होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।